यही चपाटी से आई से घर जा कहीं से मैं जा रही भाजी तोड़ने, ऐसे खतरनाक रास्तों से मैं जा रही भाजी तोड़ने, यहाँ से घर से पीछे से यहाँ से देखो इतने घास में से घुसूंगी मैं। और यहाँ लगी है चेच भाजी, और जो जो हमारे एमपी से होंगे उनको पता होगा चेच भाजी क्या होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे बाड़ी में ये राहल है, राहल का खेत में ये चेच भाजी, ये चेच भाजी है राहल के खेत पे, वही तोड़ने आई मैं। ये राहल के साथ छोटे छोटे हाइब्रिड मक्के भी डाले हैं इसमें, तो वही मैं भाजी तोड़ने आई। अब भाजी कैसे तोड़ते हैं वो भी देखो, ये जो ऊपर का जो ये लेयर, और कई जगह इसको बोलते हैं क्या साग बोलते हैं, तो वो भी कमेंट बताइएगा जो जो साग बोलते हैं वो, लेकिन हमारे एमपी में इसको भाजी बोलते हैं, चेच भाजी है। ऐसे तोड़ के, और इसको जब बनाते हैं तो खटाई में बनाते हैं, पीटी किसको पता है वो भी बताना, जो मक्के के साथ में उगता है पीटी वो, और या तो छाछ डाल के इसको बनाते हैं तो ज़्यादा स्वाद आती है। तो आज मैं भाजी तोड़ने आई क्योंकि फेवरेट है मेरा तेज भाजी, गांव में पियो और बीमार ना पड़ो जी। मैं एक दिन और आई थी लेकिन मोबाइल लेके नहीं आई थी, इसलिए वीडियो शूट नहीं की थी, तो मेरे को लगा कि नहीं मेरे को वीडियो शूट करना चाहिए, बताना चाहिए दोस्तों को, इसलिए मैं आज मोबाइल लेके आई हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं अब इसका कल बनेगा भाजी सुबह, तो हम लोग सब खाएंगे ये जो भाजी। और मैं लेके आई हूँ ये थैला, तो थैला में लेके जाऊँगी सब भाजी। बहुत सारा भाजी लेके जाऊंगी क्योंकि कल हम कहीं जा भी रहे हैं, तो वहाँ भी लेके जाऊंगी, इसलिए देखो। तो फटाफट फ्रेंड्स मैं भाजी को तोड़ लेती हूँ, आप लोग हमारी वीडियो में बने रहें। और ये है अरहर का पेड़, अरहर जिसको अभी हुआ नहीं है, अभी तो इतना बड़ा हुआ है, तो फ्रेंड्स मैं फटाफट तोड़ लेती हूँ इसको। इतना सारा मतलब आधा थैला भाजी तोड़ डाली, और अभी बचा ही है भाजी बहुत सारा, ये वाला भाजी तोड़ रही मैं। और ये पूरे ये जो बाड़ी दिख रहा है वो घर के बाजू से और वो किनारे से पूरे में भाजी बोए हैं, इसमें क्या क्या मिक्स है देखो ना, एक ही खेती में आप कितने प्रकार के बीज उगा सकते हैं। देखो ये राहल भी बोए हैं, और ये मक्का जो अभी होते आया है ये सूखने लगा, देखो मक्का भी है इसमें, भाजी भी है, फिर इसमें भिंडी भी है, भिंडी भी बोए हैं अभी, देख रहे इसमें देखो भिंडी भी फला है, ये देखो ये इसमें, मतलब तीन से चार प्रकार की खेती एक ही खेत से आप बीज उगा सकते हैं, इतने सारे फ़ायदा ले सकते हैं अपने खेत में। और देखो एक मज़े की बात, इधर से बीही का पेड़ लगे हुए हैं लगातार वहाँ तक, और घर के पीछे भी बहुत सारा बीही का पेड़ है, और ये बीही का पेड़ मिनिमम आधा केजी एक केजी का ऐसे एक बीही का फल होता है, मतलब लगभग इतने बड़े बड़े, तो बड़े पौधे भले ही छोटे हैं लेकिन इसका जो फल है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो ऐसे बहुत सारा। और वो किनारे पर ये जो बड़े बड़े ये पौधे दिख रहे हैं ये है आंवले का पेड़, इधर से उधर तक मतलब कुछ दूर, और कुछ दूर उधर से अनार का खेती हुआ था लेकिन अनार नहीं है अभी, अभी आंवला बचा है जो आंवला भी फला नहीं है, और ये साइड में भी कुछ का पेड़ है, ऐसे बहुत तरह के से फल लगे हुए हैं। और बाजू में हम लोगों का धान भी लगा है, उस साइड चार बंधिया है, वो लगातार चारों बंधियों में धान है,
और इसमें मक्के वगैरह सब कुछ डाल के मिक्स खेती की है इसमें। तो इस तरह बहुत सारा खेती आप कर सकते हैं। और मैं भाजी तोड़ने आई थी तो भाजी तोड़ ली, फिर भी भाजी बहुत सारा बचा हुआ है। देखो इसमें भाजी भी खा सकते हो, मक्के भी उगा सकते हो, और लास्ट फसल इससे निकलेगी राहल, मतलब सबसे पीछे वाली फसल है राहल वो है। बाकी अभी मक्का तो होते आया है, जो मक्का कुछ दिन में कटाई हो जाएगी, फिर भिंडी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, फिर लास्ट में बचेगा ये राहल। तो ऐसे होती है खेती देखो फ्रेंड्स। और हम लोग तो चलो घर पे नहीं रहते हैं, लेकिन घर पे रहने वाले एकदम ताज़ा हरे हरे सब्जी खाते, इसलिए बीमार भी नहीं पड़ते और स्वस्थ रहते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया मेरा खेत। और हम लोग तो अभी धान का खेती जहाँ हुआ है वो तो वहाँ अभी हम तक अभी तक गए ही नहीं देखने, सिर्फ अभी घर घर के आजू बाजू ही घूमते आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नहीं हुआ तो बिल्कुल सब्सक्राइब तो करिएगा ही। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।